जिम्मेदार तो आकाश उखाड़ने दूर तो कहता है उन्हें तोड़ने में, इसलिए नाचा घर को खुश है घन नाथ छोड़ने में, अन्यथा ताटा बदलोला अभी मान के चूर हो जाएगा, खड़ू से तीसरा केवट का प्रतिघात पूर्ण हो जाएगा। सभी लोग घर आइए, जितने लोग आए सभी लोग घर जाए। हो जाता है, इसलिए समझ जाओ रघुवंशी।
नहीं पाएगा इस इंद्रजीत भूमंडल पर, अपने पर जीत कहलाएगा। जो भी हथियार तुम्हारे को होगा इस बैरी को लंका पथ को आराम करो। इसमें प्रत्यक्ष बुराई है, कैसे यह अधर्म किया जाए। हे राम आप यह आज्ञा देते हो इस समय अधर्म किया जाए। मेरी सुंदर राय धर्म छोड़ने की कभी राम न देगा राय। जिस धर्म हेतु प्रिवत चुका सीता प्यारी का हर हुआ, उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मर जाए तो मर जाए। आवाज यही होगी अपनी, हाँ धर्म नहीं जाने पाए। केवल इस समय परीक्षा करो, अन्यथा दास तो आया था तब वर स्वामी की सेवा को। लंका में रहकर भी सुखे
है नहीं दशानन के घर का, सहकारी है सहयोगी है इस समय विभीषण मंडल का। नाथ चोट तो गहरी है पर दवा भी काफी दूर है। सूरज उगने से पहले मिल जाए दवा तो जीवन है, अन्यथा असंभव है उठना, बिस्ने में जीव किया तन है। अत्यंत दूर है औषधि भी, आ सकती नहीं बात ही में, ऐसा है कौन जो धाया जो लाए से हमारी जय है तीरा आकाश में हो पाताल में हो, पर्वत में हो सागर में हो, लाएगा यह धातु से क्या हे ब्रह्मा के घर में हो। बतलाओ उस कारण करो किस जगह हाथ में आएगी, रघुराय सहाय रहेंगे तो पहले आ जाएगी। ये कौन सुत हनुमान जी, सुनिए, आप दवा लेने के लिए भोला गिर पर्वत पर जाइए। मूल सजीवन उसका नाम है, ज्वाला भी जलती रहती है, जाओ और जल से जल लेकर आओ, नहीं तो सवेरा होने पर कार्य बिगड़ जाएगा। कहिए तो चंद्रमा की जगह लाओ और समुद्र की जगह केतु को बैठाओ, यदि ऐसा न करो तो आज से आज पैदा न कहा इतना रखना, अब तन तक झूल बंद पर है लंका के नीचे राहु द्वारा अंत पर है। आता है कोई तो प्रार्थना है सच्चे जी से उतारेंगे और तुर्की आर्य अवस्था को करुणा के साथ निवारेंगे। अन्यथा क्षमा करना भी कर है तू बचपन के ही जानत है हनुमत कितना बटवारा है, इसलिए छुटे रहना भगवान जब तक नजरी पहुंचा दू है उस समय प्रकट होना मालिक जब संकट हिता मिटा दू है। मेरी सेवा के पहले यदि किरण का चमत्कार होगा तो सूर्यदेव सचमुच में सूर्य वंश में हाहाकार होगा। अब भी मुख में रख लेगा तुमको दूरदारण होगा, बंदी मोचन नाम गया जब लक्ष्मण दुख मोचन होगा। मूल सजीवन लेने जा रहा है, सागर से कल रास्ता रोकने का उपाय ढूंढे, क्योंकि सवेरा होने पर लक्ष्मण अजीत नहीं रहेगा। ये दूत ने देखते देखते हमारे नगर को जला डाला, हमको भगवान जी का को उजाड़ डाला। भला बताओ उसका रास्ता कौन रोक सकता है। रघुनाथ जी का भजन करो, वे काल को भी जीत सकते हैं, उन्हें स्वप्न में भी कोई
नहीं हरा सकता। झावरकर मैं तुझे अभी मारता हूँ। दूरे क्या पकड़ते मुनि का आश्रम दिखाई दे रहा है, यहाँ चलकर सोलह देव विश्राम करना चाहिए। वो युद्ध हो रहा है, राम जी जीतेंगे, इसमें कुछ संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ रहकर सब कुछ देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे ज्ञान दृष्टि अधिक है, बहुत जोर से प्यास लगी है। हे मुनिया, इतने थोड़े दिन से मेरा प्यास नहीं बुझेगा, तालाब है वहाँ जाकर के पेट भर पानी पीकर और स्नान करके आओ। अब मैं तुम्हें मूल सजीवन प्रसाद लेकर मंत्र दूंगा। जरूर दक्षिणा ले लीजिए, पांच मंत्र देना। अयोध्यापुरी में पहुंच जाएगा तो सारे अयोध्या को नाश कर देगा, इसलिए इसे मार देना ही उचित है। बिजली दौड़ आई है जिसने जिसने अनाथ करा है, सचमुच है उनके प्यारों में जितना रस इस पुकार में है वह नहीं हजार पुकारों में। हे भाई, जिस विधाता ने मुझे राम जी के प्रतिकूल किया, फिर उसी ने यह कठिन दुख दिया, यदि प्रभु के चरण कमलों में मनवारी कर्म से प्रेम हो, यदि राम जी मुझ पर अनुकूल हो, तो हे कपि तुम परिश्रम और पीड़ा रहित हो जाओ। और माता जानकी सहित सुख के निदान प्रभु राम जी की कुशल तो कहो। आदि को पंचवती से चुरा ले गया, जिससे रावण और राम जी में मोहयत हो रहा है। रावण का बेटा मेघना लक्ष्मण जी को शक्ति बार मारा है, यही मूल सजीवन दवा है। अंधेरा होने पर कार्य बिगड़ जाएगा। अरे यहाँ जो मैं प्रभु के एक कार्य बिना आया। हे तात, तुमको जाने में देर हो रही हो,
पहुंच जाऊंगा। भगवान देव आशीर्वाद करो, जाएगा भारत मान से, श्री राम कृपा से निकले पहुंचेगा यह राम से। हे स्वामी दे नहीं अच्छी, अब आज्ञा मुझे दीजिए, बस पिता श्री भरत बिना दंडवत प्रणाम लीजिए। हनुमान जी उस पर्वत को उठाते हैं, चल देते राम के पास। बीत गई, अभी हनुमान जी नहीं आए। हे भाई, तू मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, तुम्हारा स्वभाव सदैव कोमल रहा, जो मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को छोड़कर मन में कठिन दुख गए। हे भाई, तुम्हारा प्रेम अब कहाँ है, जो मेरे व्याकुलता से भरे वचनों को भी सुनकर नहीं उठते। हे भाई लक्ष्मण, तो अगर जानते कि जंगल में जाने से भाई का विधोता के वचनों को कभी नहीं मारता, क्योंकि स्त्री पुत्र धन परिवार संसार में बार बार होते और लिखते हैं। हे दास, तुम मन में ऐसा विचार कर जानो कि संसार में सहोदर भाई नहीं मिलते, जैसे बड़ी बिना पक्षी सूर बिना हाथी अत्यंत दीन होता है, उसी प्रकार ए भाई तुम्हारे बिना मेरा जीवन नहीं। यदि जड़ विधाता मुझे जीवित रखे तो हे भाई मैं कौन सा मुख लेकर अयोध्या जाऊंगा। सभी लोग यही सोचेंगे कि श्री के पीछे प्यारे भाई को गवा कर आए हैं। इससे अच्छा यह था कि मैं संसार में रहकर अपने सह लेता, क्योंकि स्त्री की हानि विशेष हानि नहीं है। हे भाई, अब मेरा निश्चल कटोरी है, लोग निंदा और तेरा जो सहन करेगा। हे भाई, मैं अपनी माता के एक ही पुत्र हूँ, जो तू मेरे प्राणों के आधार है। हे भाई, माता ने तुम्हारा यही हाथ पकड़ कर मुझे सौंपा था, मैं जाकर उनको क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, तुम उठ कर मुझे क्यों नहीं सिखाते। हाय विधाता, किस तरह अब
कनवास मिला था जब मुझको, सब उम्र पड़ा था भाई भाई के सेवा के पहले तैयार हुआ था भाई जंगल के काटे मेरे ही कारे थे मन के दुख को रे दुख को इधर मस्तक पर धारे थे या छोटा और बड़ा हूँ मैं अनुचित इनका मर नाम ले काले से पीछे लेना पहले समाप्त करना मुझको यार अच्छा है एक साथ दोनों का प्यार निकल जाए भाई भाई का एक रंग एक ही किताब पर जल जाए चाय पी के पर गए पीठ चली है यार मुझे अकेला छोड़ कर कहाँ जा रहे थे हाँ बंधुओं ध्यान से परोरे श्री रामाचार्य।